नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। लगातार बढ़ती जनसंख्या से हमारी पृथ्वी पर दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं दुष्परिणाम को रोकने और धरती को बचाने के लिए, साथ ही साथ लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए देश दुनिया की सरकारें कई कदम उठा रही हैं, कई नियम बनाए जा रहे हैं, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। आखिर विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की क्या जरूरत पड़ी और मानवों पर बढ़ती जनसंख्या का क्या असर पड़ रहा है, इसे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पर्यावरणविद डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी। सर, हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है और इसके होने वाले दुष्परिणाम? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग 11 जुलाई को जो विश्व जनसंख्या दिवस मना रहे हैं, ये वह दिन है जिस दिन हम पूरी दुनिया को संचेतना फैलाते हैं, जागरूक करते हैं। वो कैसे ढंग हैं, वो कौन कौन से ढंग हैं, वो कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या को बढ़ाने में कहीं ना कहीं से सहायक सिद्ध हो रहे हैं, उनको बताने का कार्य करते हैं, जिसमें आपने भी ये प्रश्न किया। तो मैं बताऊंगा कि एक जो आम लोगों में एक प्रकार की जो धारणा है कि जो भी हम जो जनन का अधिकार दिया गया, रिप्रोडक्शन का अधिकार इंसानों के अंदर है, लेकिन उसको विवेक के साथ करना पड़ता है। तो आम लोग ये सोचते हैं कि हमारे रिप्रोडक्शन के बाद जो भी बच्चे आते हैं वो भगवान की देन है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं से ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि इनको आप संख्या को सीमित कर सकते हैं, अधिकार आपके पास है। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों में जागरूकता की कमी है, लोगों में साक्षरता की कमी है कि अगर हम जनसंख्या को बढ़ाने में योगदान देंगे तो उसके लेके वो ये नहीं समझ पा रहे कि क्या ऐसे कोई ढंग हैं, क्या ऐसे सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले किसी प्रकार की सहायता है, क्या काउंसलिंग है, क्या या मेडिकल डिवाइसेस हैं क्या, जिनके द्वारा हम बच्चों की संख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये जो जो उनको ज्ञान है ये नहीं मिल पा रहा। यही कारण है कि आज के दौर में जो सरकारी किताबों में एक चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का रखा गया है और उस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत ये जो भी ढंग हैं और जो भी परेशानियां जो इंसानों को होती हैं बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, उन खतरों को भी आगाह किया जाता है और साथ में ये बताने के लिए भी किया जाता है कि आप इन इन ढंग से जनसंख्या का नियंत्रण कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए भी बताया जाता है जिनके कुछ इनफर्टाइल प्रॉब्लम है या उनको उनकी कहीं ना कहीं से आगे चल के बच्चे पैदा होने में परेशानियाँ हैं, तो वो मेथड भी बताए जाते हैं उनके अंतर्गत कि आप इस प्रकार से असिस्टेड रिप्रोडक्टिव थेरेपी के द्वारा अपने घरों में खुशियां ला सकते हैं। जी, लेकिन जो जनसंख्या वृद्धि के कारण है, कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि जागरूकता की कमी। ये तो है ही, लोग जागरूक नहीं होंगे। लोग जैसे अगर समझेंगे कि कहीं ना कहीं से जो भी नए मेहमान आ रहे हैं, मतलब तो वो कहीं ना माना जाता है कि हमको ईश्वर से या कोई डिवाइन शक्ति है उसके द्वारा है, तो ये बहुत जानना लोगों को ज़रूरी है। और दूसरी बात, अगर घर में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होगी तो आज के दौर में जो हम और आप लोग देख रहे हैं कि लगभग पूरी धरती पर 8 अरब से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, अब हर ग्रह की एक धारण क्षमता होती है, कैरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक इसी प्रकार से धरती की भी एक कैरिंग कैपेसिटी है कि वो कितने लोगों का भार सहन कर सकती, कितने लोगों को संसाधन दे सकती है, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वच्छ वायु, अन्न, भोजन, ये सारी चीज़ें देने की एक क्षमता होती है। और आज बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारी आपकी धरती हाँप रही है, कराह रही है। कहीं ना कहीं से आज का दिन उन लोगों के लिए एक प्रकार से सचेत करने का दिन है कि आपको अब कहीं ना कहीं से जागरूक होना पड़ेगा और एक सीमित जनसंख्या के अंतर्गत ही अपने परिवार को सीमित करना पड़ेगा। सर, अगर बात करें जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों की, क्योंकि इसके कई दुष्परिणाम भी हैं, लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जिनको ध्यान में रखते हुए सरकार भी कई योजनाएं चला रही है लेकिन उनका पालन नहीं हो पाता है, दुष्परिणामों की बात करेंगे हम, कौन कौन से दुष्परिणाम है जिनको जान के लोग जागरूक होंगे और इसकी ओर ध्यान देंगे कि हमको जनसंख्या नियंत्रित करनी है? देखिए, चूंकि आधी आबादी का बहुत बड़ा योगदान होता है जनसंख्या में, मतलब मेरा कहने का आशय ये है कि हमारे देश में जो फीमेल्स अर्थात महिलाएं हैं, अगर हम उनको जागरूक करते हैं, उनको कहीं ना कहीं से शिक्षित करते हैं,
उन्हें अधिकार लेने के लिए एक प्रकार से सशक्त बनाते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं काफ़ी हद तक सॉल्व होने के रूप में मैं देखता हूं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई परेशानी आती है तो परिवार में फीमेल ही सबसे पहले उसके भुक्तभोगी होती है, चाहे बढ़ी हुई जनसंख्या हो, और बढ़ी हुई जनसंख्या से चाहे घर में कुपोषण की समस्या आई हो या आर्थिक समस्या आई हो या और भी इकोनॉमिकल परेशानियाँ, तो फीमेल को चूंकि कहीं ना कहीं से घर को मैनेज करने में बहुत बड़ा योगदान देना पड़ता है। और भारत की जो संस्कृति है, एक समृद्ध विरासत है जिसके अंतर्गत हमारे देश में जो नारी शक्ति है उसका बहुत बड़ा योगदान है, तो अगर हम उसको जागरूक करते हैं, उसको कहीं ना कहीं से हम साक्षर करते हैं और उनको ये बताने में तैयार होते हैं कि ये आपका अधिकार है, आप चाहें तो इस अपने परिवार को यहाँ तक सीमित कर सकते हैं, और साथ में ऐसी बहुत सारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही, लेकिन वही बात है ना, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब तक वो योजनाएं धरातल पर सही ढंग से नहीं आ पाएंगी तब तक हमें ऐसे जो भी परिणाम हैं, दुष्परिणाम जनसंख्या वृद्धि के रूप में या फिर जनसंख्या वृद्धि के जो दुष्परिणाम के रूप में कुपोषण जैसी समस्या हो गई या फिर बढ़ती आबादी के कारण जो अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ जो हमें और आपको देखने को मिल रही हैं, वो बढ़ी हुई आबादी से बीमारियों का तात्पर्य इस चीज़ से है कि जब आबादी बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि धरती पर बोझ बढ़ेगा हमारा, आपका संसाधनों को हम खींचेंगे। और एक सर्वे किया गया था तो उसमें देखा गया कि 60% के आसपास ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो ग्रीन हाउस गैस हैं जो धरती के तापमान को बढ़ाने के लिए जिम्मेवार हैं, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेवार हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया की बीमारियां फैलाने में जो वाहक होते वेक्टर मॉस्किटो, इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए क्लाइमेट चेंज जिम्मेवार है, तो ऐसी जो स्थितियां हम और आप लोग देख रहे हैं, तो ये जो क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस हैं ग्रीन हाउस गैस, इसमें कहा जा रहा है कि इंसान अपने घरों से 60% के आसपास इनको छोड़ रहा है। मतलब हम आमतौर पर ये मानते हैं कि फैक्ट्री या कहीं और जगह से आती होंगी, ठीक है उनका भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इसमें बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हम सीधे से सीधे उन अपने घर बनाने के लिए जंगल की तरफ जाएंगे तो जंगलों को समाप्त करेंगे। अब जंगलों को हम समाप्त करेंगे तो जंगलों को कहा जाता है धरती के फेफड़े, अर्थात वो फिर ग्रीन हाउस गैस को जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं तो वो ख़त्म होंगे। साथ में हम फसलों को उगाने के लिए जंगलों को भी समाप्त करते हैं क्योंकि हमें अपना पेट भी भरना है, मकान भी बनाना है, तो कुल मिला के ये तहस नहस जो हो रहा है इकोलॉजिकल सिस्टम, वो एक बहुत बड़े नतीजे के रूप में मुझे और आपको देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं कि हर व्यक्ति इससे प्रभावित होगा ये बात, लेकिन ये है कि गरीब ज़्यादा प्रभावित होंगे, जो बेसहारा हैं, जिनके पास संसाधनों की कमी है वो ज़्यादा प्रभावित होंगे, जिनके पास फिलहाल अभी पैसा है तो वो थोड़ा सा कम प्रभावित होंगे, लेकिन प्रदूषण अगर हुआ धरती पर, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जो भी पॉल्यूशन हुए किसी अलग अलग प्रकार के, तो उसकी वजह से लगभग सभी लोग पूरी तरह से प्रभावित होंगे। जी, जब जनसंख्या वृद्धि होती है तो आवास की भी कमी होती है, क्योंकि पहले जंगल काट के लोग अपना घर तो बना लेते थे, लेकिन अब जंगल भी खत्म होने की कगार पे है, जमीन की कमी हो रही है, इसीलिए हम देख भी रहे कि लोग अब एक सिंगल घर नहीं अपार्टमेंट्स बना के रह रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ज्यादा निकल रही है, जमीन की कमी हो रही है। कुछ लोग ऐसे भी है जो घर नहीं ले पाते हैं, गंदी बस्तियों में रहते हैं, उससे स्वास्थ्य पे कितना असर पड़ता है? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की, अपार्टमेंट की बात की, तो मैं अपार्टमेंट से जुड़ी हुई एक बात बताना चाहूँगा। आप और हम लोग कभी, अगर आपको मौका मिला हो तो आप मालदीव गए हों, तो मालदीव का एक शहर है माली, अगर जब आप मालदीव जाएंगे तो वहाँ आपको बहुमंजिला इमारतें मिलेंगी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो ऐसे लगता है अगर हम दूर से देखें कि एक पानी के कोई झील है, उसमें कोई एक मल्टी स्टोरी कोई एक ऑब्जेक्ट तैर रहा है, मतलब चूंकि वहाँ पे जमीन सीमित है, एक टापू के रूप में वो बना हुआ है। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो उनको रहने के लिए घर चाहिए, अब चूंकि वो समुद्र से घिरा हुआ है तो वो अपार्टमेंट की तरह बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई की बात करें, अगर अपने देश की बात करें, आर्थिक राजधानी की बात करें, तो मुंबई में जो नवी मुंबई है, आपने देखा होगा, जो नवी मुंबई को बताया जाता है, आपने देखा होगा कि उसको जंगलों को काट के बनाया गया है, जो पहले हमें और आपको सुनामी या जो भी समुद्र की ऐसी टाइडल वेव्स होती थी जिनसे बचाने में मदद करते थे विशेष प्रकार के वन,
जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं उनको पूरा ख़त्म करके और उनको सीधे सीधे उस ज़मीन पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी गई। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे ये जनसंख्या वृद्धि हो रही है भारत के संदर्भ में, विकासशील देशों के संदर्भ में अगर हम देखें, तो लोग शहरों की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। अब भाई शहरों की भी एक क्षमता है, शहर कोई प्लास्टिक के बने हुए ऑब्जेक्ट नहीं कि जिनको खींचते चले जाएँ हम, उनको बढ़ने हैं तो हम कहीं ना कहीं से जो वाटर बॉडीज हैं, नदी हैं, समुद्र हैं या फॉरेस्ट हैं, इनको ख़त्म करते हैं और ख़त्म करके उस पर अपना आसियाना बनाते हैं। और जब हम फॉरेस्ट या समुद्र या वाटर बॉडीज, जो भी नदियां हैं, इनको ख़त्म करते हैं, तो इनसे इनमें रहने वाले तमाम जीवधारी, जीव जंतु, वाइल्ड लाइफ प्रभावित होती हैं और वो वाइल्ड लाइफ कहीं ना कहीं से मेरे आपके इकोसिस्टम का हिस्सा हैं और मैं सीधे सीधे हम और आप आमतौर पे ये समझते हैं कि मेरा नुकसान नहीं होने जा रहा, लेकिन हो सकता है कि अभी प्रत्यक्ष रूप से आपको अपना नुकसान प्रकट ना हो रहा हो, लेकिन भविष्य में वो बहुत बड़ा एक नुकसान के रूप में मुझे और आपको 6-7-10 सालों में देखने को मिलेगा। जी, आवास की कमी हो रही है, लोग गंदी गंदी जगह पे भी रहने को मजबूर है, ऐसे में कई बीमारियां भी फैलती है, उनके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जैसा कि आपने अभी बताया, तो सीधी सी बात है आवास नहीं मिलेंगे। जैसे हम मुंबई की धारावी आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी एक इस प्रकार की बस्ती है जहाँ पर लोग स्लम एरिया कह सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, तो वहाँ पर उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती। या हम किसी और शहर की बात करें, कोलकाता की बात कर सकते, चेन्नई की कर सकते, दिल्ली की बात कर सकते हैं, देश की राजधानी दिल्ली है हमारे देश का, वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा ऐसी स्थितियाँ। तो जब जनसंख्या बढ़ती है तो लोगों को जो एक साफ हवा, साफ पानी, ये मिलना एक प्रकार से हमारा आपका अधिकार है मूलभूत, लेकिन वो चीज़ें नहीं मिल पाती, सरकारें भी नहीं प्रोवाइड कर पाती। आपने देखा होगा कभी आप दिल्ली गई हों, तो जब दिल्ली प्रवेश करने के पहले, जब गाज़ियाबाद के जस्ट आप पहुँचेंगे, तो उसके बाद आप देखेंगे कि जब उसके आगे देखेंगे कि जो यमुना नदी है, गंदे नाले के रूप में, एक बदबूदार नाले की रूप में आपको दिखाई देगा, और जब आप उससे ऊपर गुजरेंगे तो आपको एक बदबूदार एक स्मेल आएगी आपकी ट्रेन में, और वो एक प्रकार का इंडिकेशन होता है कि अब आप दिल्ली प्रवेश कर रहे हैं। वो नदी जो सदियों से करोड़ों लोगों के लिए, अरबों लोगों के लिए एक जीवन देते आ रही थी, अब वो आज एक नाले के रूप में तब्दील हो गई। अब हमें और आपको समझना पड़ेगा, अब ऐसे प्रदूषित नदी का पानी जब कोई भी लोग पिएंगे, जिनके पास नहीं है वो आर्थिक रूप से उतने उन्नत, तो सीधे सीधे उनके बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज हैं, जैसे डायरिया हो गया, कॉलरा हो गया, डिसेंट्री हो गया, ये सारी बीमारियां सीधे सीधे उन लोगों को तक पहुंचेंगी। जहां मलिन बस्ती होगी, जहां पे सही ढंग से साफ सफाई नहीं होगी, वहां पे मॉस्किटो की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो वहां पे मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, या जापानीज इंसेफ्लाइटिस, ऐसी बीमारियाँ फैलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर हम और भी अगर बात करें, तो लोगों को जब साफ सुथरा पानी नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, लोगों को सही समुचित रूप से खाना नहीं मिलेगा, तो वो कुपोषण के शिकार होंगे, मेल न्यूट्रिशन के शिकार होंगे, उनके अगर खाने में प्रोटीन की कमी होगी तो उनको क्वासरकोर रोग होगा, मेल या फीमेल को, अगर उनके में एनर्जी मेल न्यूट्रिशन होगा तो उनको मरासमस होगा, कुल मिला के आयरन की कमी होकर हो रही है तो एनीमिया होगा। और फिर ऐसे हम देश की कैसे कल्पना कर सकते हैं, जिस देश में सबसे ज़्यादा युवाओं की जनसंख्या हो और फिर वो युवा कुपोषण या भुखमरी वाली समस्या से अगर जूझे, तो हम फिर सीधे सीधे अपने देश की उन्नति में से बाधा भी मान सकते हैं। जी बिल्कुल, और ऐसी जगह पे तो इन्फेक्शन भी बहुत तेजी से फैलते हैं, हमने कोरोना काल में भी देखा बहुत तेजी से इन्फेक्शन फैल रहे थे, तो बीमारियों का तो अंबार लग जाता है। अब अगर बात करी जाए रोजगार की समस्या की, जब जनसंख्या बढ़ती है तो रोजगार का संकट भी देखने को मिलता है, इससे भारत ही नहीं कई ऐसे देश है जो प्रभावित हो रहे हैं, और रोजगार और स्वास्थ्य, इन दोनों को जोड़ के देखा जाए तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर हम देखें दुनिया में,
तो इस समय सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है और इसके बाद भारत की है, लेकिन अगले कुछ ही सालों में हम लोग चीन को पीछे छोड़ देंगे और नंबर वन बन जाएंगे। ये नंबर वन बनना हमें और आपको वैसे खुशी नहीं देगा, आमतौर पर किसी भी क्षेत्र में अगर हम नंबर वन बनते हैं तो जी खुशी होती है, लेकिन हम जनसंख्या के क्षेत्र में आने वाले 4-5 वर्षों में नंबर वन बनेंगे, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं से ये स्थिति हमें और आपको कहीं से अभी से चिंतित कर रही है। जैसे आपने कहा, लोगों को रोजगार की समस्या आएगी, लोगों को रहने की समस्या आएगी, लोगों को खाना मुहैया कराने की समस्या आएगी, लोगों को अच्छे स्कूल देने की समस्या आएगी, और जब लोगों को हम सही ढंग से खाना रोजगार स्कूल नहीं दे पाएंगे और लोग हमारे कुपोषण के शिकार होंगे, बीमारियों का शिकार होंगे, तो सीधे सीधे हमारे हॉस्पिटल पर दबाव बढ़ेगा, और जब हमारे हॉस्पिटल पर दबाव बढ़ेगा तो सीधे सीधे हम और आप लोग प्रभावित होंगे। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, अर्थात बढ़ी हुई जनसंख्या को अगर हम समुचित रूप से अगर हम उनको संसाधन नहीं उपलब्ध करा पाए तो जी आगे चल के ये हमारे हॉस्पिटल पर भी बोझ बनेंगे और कहीं ना कहीं से हमारे देश के लिए बाधा भी हो सकते हैं। जी भौतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता है और कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी होता है बढ़ती आबादी से। देखिए, ये बात जो आपने कही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, तो इसमें मैं महात्मा गांधी जी के बहुत बड़ा उपासक हूँ, पूजक हूँ उनकी, मेरे एक एक बात में मेरे मन को सदा झकझोरती रहती। उन्होंने एक बार कहा था कि इस धरती पर हम इंसानों की जरूरतें पूरी करने के लिए सब कुछ है, जी लेकिन हमारी आपकी जो लालच है उस लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम इंसानों को अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, हम इंसानों को अपनी कुछ छोट सोच बदलनी पड़ेगी कि हम जो धरती के संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन कर रहे और आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ देने के लिए छोड़ ही नहीं रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ, आज हम भारत के देश के लोग तो काफ़ी हद तक एक जिम्मेवारी वाला एक एटीट्यूड रखते हैं धरती के प्रति, लेकिन अगर हम जर्मनी से कल्पना करें, यूरोप के देशों से कल्पना करें, तो आज के दौर में अगर हम जर्मनी के लोगों की तरह अगर अपनी लाइफ स्टाइल जीने लगें तो हमें और आपको लगभग माना जा रहा है कि 3 धरती की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब जितनी धरती पर हम लोग रह रहे भारतीय। और अगर हम अमेरिकन लोगों की लाइफ स्टाइल की तरह जीने लगें तो हमको माना जा रहा है कि 5 अर्थ चाहिए, मतलब आप समझ लीजिए ये एक प्रकार का खतरे का एक पूरा पूरा एक प्रकार का सिग्नल है। मतलब अमेरिका और यूरोप के लोग संसाधनों का इतना उपयोग कर रहे हैं और चीज़ों का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं कि उनको कल के दिन धरती के संसाधनों को 5 गुना तेजी से कोई खींच रहा है, कोई 3 गुना तेजी से। जी तो हमें और आपको सबको मिलके एक कम्प्रिहेंसिव वे में एक प्रकार से प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कहीं से भी एक देश प्रभावित होता है जी तो सीधी सी बात है, आज पूरी दुनिया एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जी वर्तमान समय में आपने देखा कि रूस और यूक्रेन का जो लड़ाई चल रही है उससे पूरी दुनिया में देखिए एक प्रकार से आर्थिक मंदी आ गई और धीरे धीरे देखिए महंगाई आ गई। तो ये कोई भी देश अछूता नहीं है, कहीं भी कोई परेशानियां आएंगी तो सीधे सीधे मुझे और आपको हर देश के नागरिक को कहीं ना कहीं से प्रभावित करेंगी। जी तो जिस तरह से हम लोग जनसंख्या वृद्धि की बात करें, अगर जी हमको इसे नियंत्रित करना है तो क्या भारत को भी चीन की तरह एक सख्त नियम कानून लाना पड़ेगा कि जैसे हम दो हमारे दो का नारा दिया गया है उसी तरह से इसे फॉलो कराने के लिए सख्ती बरतनी पड़ेगी? हाँ बिल्कुल, और इस पे हमारी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सरकार का एक प्रकार से मिशन भी चल रहा है और हो सकता आगे चल के जनसंख्या नियंत्रण बिल भी लाया जाए। हमारे देश में चूंकि लोकतंत्र है तो थोड़ी सी उतनी सख्ती नहीं कर सकते। चीन की बात थी, चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनी चलाई थी, वो उनकी फेल हो गई क्योंकि उसके अलग दुष्प्रभाव देखने को मिले। क्योंकि जब वन चाइल्ड पॉलिसी के अंतर्गत अगर जो लोग चैनल देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि यह 50% चांस होता है जब नया बेबी जन्म लेता है कि वह लड़का होगा या लड़की। तो अब वन चाइल्ड पॉलिसी थी तो उसमें कहीं ना कहीं से ये देखा गया कि जनसंख्या का असंतुलन हुआ, मतलब या तो लड़कियों की संख्या कम होती गई, लड़कों की संख्या बढ़ती गई, चूंकि वो एक प्रकार से वाई क्रोमोसोम की वजह से होता है कि अगर हम 1,000 लड़कों पर देखें तो लड़कियों की संख्या 1,000 नहीं होती है, उनकी संख्या लगभग 900 950 के आसपास ऐसे होती। ये कुदरत से ऐसा हो रहा है क्योंकि वाई क्रोमोसोम ज़्यादा मोटाइल होता है तो बच्चों की संख्या मेल चाइल्ड की ज़्यादा हो जाती है।
ड्यू टू वाई क्रोमोसोम के शेप के साइज के कारण। तो अब ये जो देख रहे हैं हम लोग कि वन चाइल्ड पॉलिसी उनकी फेल हो गई, लेकिन अब वो भी टू चाइल्ड पॉलिसी पर आ गए। और देखिए, किसी भी लेजिस्लेशन को लाने का मेरी अगर अपनी राय देखी जाए तो उसमें हम लोग संचेतना इतनी फैला दें, लोगों को जागरूक इतना कर दें कि वो खुद ही डिसीजन लेने लगें। डंडा मार के बहुत सारी चीज़ें नहीं सिखाई जा सकती, क्योंकि हमारा देश बहुत विशाल है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, 140 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी विविधताएं हैं, अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, जाति है, बहुत सारे इमोशनल इश्यूज इन्वॉल्व हैं। तो हमारे देश की अलग गंगा जमनी तहजीब है, तो लोगों को समझा बुझा के और लोगों के कंसेंसस लाके ही इस चीजों को लागू किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जी, समझाने का प्रयास तो सरकार कर ही रही है। हाँ। यहाँ पे वन चाइल्ड नहीं, लेकिन हाँ टू चाइल्ड पॉलिसी जरूर रखी है सरकार ने। और अगर अधिक बच्चे पैदा करने पर अगर इसे माँ बाप के लिए दंडनीय अपराध बना दिया जाए तो इसका क्या असर देखने को मिलेगा? वही बात हमने बताया कि दंडनीय अपराध, तो क्योंकि कोरोना के टाइम पे भी हमने देखा है कि सख्ती करी गई थी तो ही लोगों ने मास्क भी लगाया था। नहीं नहीं लगाया, लेकिन उसके बाद जैसे ही सामने से कोई हटा तो मास्क उठा के जेब में रख लिया। तो ये सब चीज़ें तब तक नहीं, और अगर आपने किसी व्यक्ति को जागरूक कर दिया कि भाई इस मास्क के लगाने से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, तो वो जो चीज़ें हैं, अगर हम किसी व्यक्ति को इस प्रकार से जागरूक कर दें, इतना चेतनशील बना दें कि उनके जो कंसिक्वेंसेस हैं, जो भी बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से जो भी अलग अलग परेशानियां हो सकती हैं, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि लोगों को खुद ही इतना जागरूक बना दें। अब मुझे ख्याल लगे जो भी आज के डेट में जो बौद्धिक समाज है, जो जिसने अच्छे से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, उनके घर में एक या दो ही बच्चे वो आजकल प्लान कर रहे हैं। और जब आप ऐसे समाज की तरफ जाएं जिनको शिक्षा अच्छे से नहीं मिली है, तो वहाँ पे ये परेशानियाँ देखने को मिल रही। तो अब इसमें हमारे अपने जो भी समाज के अलग अलग वर्ग के लोग हैं या सरकार हैं, उनको बहुत बड़ा योगदान हो सकता है कि वो लोगों के बीच में जाएं, उन्हें समझाएं वो परेशानियाँ, वो दिक्कतें, तो निश्चित ही लोग जो भी सरकार के नियम हैं उनको फॉलो करेंगे। जी बिल्कुल, हम ये देख भी रहे कि शहरी क्षेत्रों में इसका पालन भी किया जा रहा है, लेकिन अभी भी रूरल एरिया और स्लम एरिया अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे लोग इसको लेके जागरूक नहीं है, और अभी भी वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है, कई बच्चे देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में ही बात करी थी कि बच्चों की पढ़ाई में एक चैप्टर होता है, बुक्स में एक चैप्टर होता है रिप्रोडक्शन को लेके, लेकिन उसको ना तो इतना अच्छे से पढ़ाया जाता है और ना ही बच्चे उसको लेके जागरूक होते हैं और ना ही उन चीज़ों को लेके इतनी जानकारी बच्चों को दी जाती। तो आपको क्या लगता है कि अगर बच्चों को स्टार्टिंग से इस चीज़ की नॉलेज दी जाए तो आगे जाके जो परिस्थितियाँ होंगी उनमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? अब देखिए, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं हमारे देश में। आप देख रहे होंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का लागू किया गया है, उसमें इस चीज़ पे बहुत जोर दिया गया है कि लोगों को जो भी अच्छे ढंग हैं पढ़ाने के, चाहे लोगों को आपको उनको सरल ढंग से पढ़ाना है, कार्टून के माध्यम से पढ़ाना है, रोल प्ले से पढ़ाना है, कैसे ना कैसे उनको चीज़ें ऐसे समझानी हैं जिससे कि लोग जागरूक हो सकें। तो इसमें शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, और निश्चित ही भारत सरकार के ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं, मैं भी उनका हिस्सा हूं, जिसमें एडोल्ट सेंस एजुकेशन प्रोग्राम कहते AEP, मतलब बच्चा लगभग 10-12 साल का होने के बाद, गर्ल या बॉय जब कक्षा 7वीं के आसपास वो पढ़ते हैं, उसके बाद से उनको एडोल्ट सेंस एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत लोगों को जागरूक किया जाता है, उनके अंदर जो हार्मोनल चेंज होते हैं, बदलाव होते हैं, उनके बारे में समझाया जाता है। और अगर इस जो भी ये सब चीज़ें हैं इसमें शिक्षक की बहुत बड़ा भूमिका है, अगर टीचर, क्योंकि टीचर बहुत बड़ा चेंज मेकर होता है, शिक्षक को अपनी भूमिका को जरूर सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने किसी भी बच्चे को उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सही ढंग से पढ़ाया तो वो बच्चा आगे चल के जो उसके मन में भ्रांतियाँ होती हैं वो दूर होंगी, और साथ में वो इस विज्ञान को भी और विज्ञान की तरह ही पढ़ेगा। तो इसमें वही बात आ गई ना कि ज्ञान समस्त समस्याओं को हल करने का बहुत बड़ा एक अचूक अस्त्र है, और ज्ञान के द्वारा ही हम दुनिया को बदल सकते हैं। बिल्कुल, माँ बाप के रोल को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि कम उम्र में बच्चे बहुत सारी गलतियां भी कर देते हैं, उनको जो ज्ञान होता है उसकी कमी होती है, तो इसमें माँ बाप का रोल किस तरह है? हाँ, अब देखिए इसमें भी, चूंकि इसमें पेरेंट की काउंसलिंग भी जरूरी है,
माँ बाप को समझाना भी ज़रूरी है, और ऐसे हालात ना हो इसके लिए पहले बच्चे को पढ़ाना ज़रूरी है। तो इसलिए सरकार ने ऐसे चैप्टर्स रखे हैं, कक्षा 8वीं से हर कक्षा में ये चैप्टर्स रखे गए हैं। NCERT की जो बुक चलती हैं उसमें बच्चे के लिए ये सारे चैप्टर्स रखे गए हैं, और उनमें बाकायदा बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चों को समझाने का प्रयास किया गया है। तो अगर ऐसी कोई घटनाएँ होती हैं दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से, तो उसमें माँ बाप की काउंसलिंग की जा सकती है, समझाया जा सकता है, और उस जिसके द्वारा हम इन परेशानियों को हल करने में निश्चित ही सफल हो सकते हैं। आज के टाइम में प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन भी हैं, बहुत सारे तरीके हैं, और इसके लिए लगातार एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या इन्हें और इजिली अवेलेबल कराना, लोगों के अंदर से शर्म निकालना, ये बहुत ज़रूरी है? ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जो भी जैसे फिजिकल हेल्थ की बात होती है, मेंटल हेल्थ की बात होती है, ऐसे ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ की भी बात होनी चाहिए। और हमारे देश में विशेषकर इस पे उतना ध्यान पहले नहीं दिया गया, लेकिन अब जो भी जैसे जैसे भी शिक्षा का स्तर, नए दौर की शिक्षा आई, तो बच्चों को इसके लिए जागरूक किया जाता है, और तमाम प्रकार से अलग अलग ढंग से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे शोध भी हो रहे हैं कि जो भी कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, जो पुराने समय से ट्रेडिशनल आती थी हार्मोनल बेस्ड, उसकी वजह से फीमेल्स में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते थे। तो आज की डेट में ऐसी कंट्रासेप्टिव पिल्स भी बनाई जा रही हैं। मैं आपको बताते हुए बड़ी मुझे खुशी हो रही होगी कि लखनऊ में एक CSIR का इंस्टीट्यूट है, जिसे हम सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात CDRI कहते हैं। इन्होंने एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी एक दवा बनाई है, फीमेल कंट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक गोली, जिसे सहेली कहते हैं, और ये नॉन स्टेरॉयडल है। क्योंकि जो पहले दवाएं आती थीं उसमें जो भी उसमें स्टेरॉयड रहते थे, तो स्टेरॉयड के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी स्टेरॉयड नहीं। तो ये भी इस प्रकार का है। बहुत सारे फिजिकल बैरियर भी ऐसे मार्केट में उपलब्ध हैं, लेटेक्स बेस्ड, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये कुल मिला के जो ये विज्ञान है, रिप्रोडक्टिव साइंस, इस पर सभी लोगों को इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये शरीर के जैसे और सिस्टम होते हैं, जैसे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हम खाना खाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सांस लेते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऐसे ही वो एक दूसरा सिस्टम है जिसे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, और हर जीवित जीवधारी में यह सक्रिय रहता है। और यह अगर ना हो तो इससे अगली पीढ़ी में जो भी हम लोग बच्चों की कल्पना करते हैं, वो कल्पना शायद हमारी कहीं से भी फिर फलीभूत नहीं हो सकती, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही फलीभूत होगी। जी, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं, एक दिन ऐसा रखा गया है कि लोगों को जागरूक किया जा सके, तो क्या लगता है, क्या एक दिन काफी है? नहीं, एक दिन तो नहीं, हमें रोज़ ही इस दिन को मनाने की याद आती है। आप और मैं जब मार्केट जाते हैं, कभी आप लखनऊ की ही बात किया जाए, अमीनाबाद आप कभी जाइए, आपको हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी दिखाई देंगे, महिलाएं दिखाई देंगी, आपको निकलने में बड़ी दिक्कत होगी। कभी रेलवे स्टेशन जाइए, सफ़र कर रही होंगी, आपको रेलवे स्टेशन में भगदड़ की तरह का दृश्य देखने को मिलेगा। तो हमें और आपको जब ऐसी स्थितियां मिलती हैं, ये तो लखनऊ तो बहुत अच्छा बेहतरीन एक सिस्टमेटिक शहर बसाया गया, तब ये स्थिति है। हम लोग अगर आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें, कोलकाता की करें, दिल्ली की करें, चेन्नई की करें, तो हर जगह हर तरफ बेशुमार आदमी हमें और आपको दिखाई देते हैं, और मुझे और आपको कितनी परेशानी होती है सोचिए जरा। आगे चल के अगर ऐसी ही जनसंख्या बढ़ती रही तो धरती भी नहीं रह पाएगी, हम लोगों को रहने के लिए ज़मीन नहीं मिल पाएगी, खाना भरने के लिए हमें अनाज नहीं मिल पाएगा, और साफ हवा नहीं मिल पाएगी। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम और आप लोग अपने घरों में आप पहले पंखों से काम चलाते थे, और आज की डेट में अगर किसी घर में AC नहीं है तो उसको भी एक प्रकार से हीनता का भाव लोग रखते हैं। तो एयर कंडीशन और तमाम प्रकार की जो भी हम ऐसो आराम की सामग्री जुटा रहे हैं, तो उन ऐसो आराम की सामग्री से कितना सारा फॉसिल फ्यूल जल रहा है, डीजल पेट्रोल या जो भी अलग अलग हम चीज़ें जला रहे हैं, उससे बहुत सारी ग्रीन हाउस गैस निकल रही हैं, और ये धरती को गर्म कर रही हैं, धरती को बुखार आ रहा है, धरती तप रही है, और उसके परिणाम स्वरूप हम और आप लोग देखिए अभी जुलाई माह में हम लोग बैठे हुए हैं और धरती में अभी अब हमारे जुलाई लगभग आधा जुलाई के आसपास पहुंच रहे हैं हम लोग, और अभी भी बारिश का हम लोग इंतज़ार टुकड़ टुकड़ देख रहे हैं ऊपर बादलों की तरफ की शायद
हमें और आपको बारिश मिलेगी, उत्तर भारत में जल्दी बारिश आएगी, तो ये आषाढ़ खत्म होने जा रहा है और सावन लगने जा रहा है और तब भी हम लोग बारिश के लिए तरस रहे, तो ये भी उसी का नतीजा है। बढ़ी हुई जनसंख्या, धरती पे बोझ, संसाधनों का टोटका और कहीं ना कहीं से क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ये सब कुछ मिलजुल के आज इंसानों के ऊपर सबसे बड़े खतरे के रूप में हम और आप लोग देख रहे हैं। जी, बहुत सारी ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि इंसान को नहीं मिल पा रही है जनसंख्या बढ़ने की वजह से। एक सबसे बड़ी समस्या और है भोजन की, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उतनी खेती किसानी नहीं हो पा रही है, लोग शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, किसानी करना कोई चाहता नहीं है, और जो ऑर्गेनिक खेती होती थी अब उसकी जगह केमिकल बेस्ड खेती होने लगी है, हेल्थ पे भी बहुत प्रभाव डाल रही है, और जितनी जनसंख्या है उतने खाने के वो पदार्थ नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को। आने वाले समय में इसका और कितना विकराल रूप देखने को मिल सकता है? मुझे करीब 40 साल पीछे चलना पड़ेगा, बल्कि 50 साल पीछे चलना पड़ेगा। लगभग हम लोग 50 साल पहले की बात करें, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, हरित क्रांति आई थी, लाल बहादुर शास्त्री साहब उस समय प्रधानमंत्री थे और हमारा देश चीन से और पाकिस्तान से दो दो लड़ाई लड़ चुका था, दोनों से एक एक बार लड़ाई लड़ चुका था, दो लड़ाइयाँ हम लोगों ने लड़ ली थी और हमारे देश में उतना अनाज का उत्पादन नहीं हो रहा था। तब दुनिया में एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने हरित क्रांति के रूप में काम किया था, नॉर्मन बोरलॉग साहब, और भारत में जो उनके शिष्य थे या उनके साथ जो काम कर रहे थे एम एस स्वामीनाथन साहब, तो उनके नेतृत्व में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन साहब के नेतृत्व में हरित क्रांति आई और हम लोगों ने इतना अनाज देखा कि हम लोग अपने भरपूर भोजन प्राप्त करने लगे। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, आज के दौर में देखिए फरवरी माह में कितनी तेज़ी से गर्मियाँ आईं, और मैं खुद खेती मेरे घर में होती है, बुंदेलखंड के रिमोट गांव से हूँ, और मैंने सीधे सीधे अपनी खेती में जो भी लगे हुए थे खेत में मेरे गेहूँ या मटर मुरझाते हुए देखा, बड़ा दर्द हुआ, कैसे बड़ी मुश्किल में उगाया गया और एकदम तेज़ी से गर्मियाँ 20-22 फरवरी के बाद एकदम तेज़ी से तापमान बढ़ा और तुरंत समय से पहले काटना पड़ा, अर्थात किसान की जो पैदावार थी वो कम हो गई, बारिश नहीं हो रही, बुंदेलखंड में खेती की बड़ी समस्याएं हैं, तो ये जो परेशानियां जो हो रही, अन्नदाता सीधे सीधे परेशान हो रहा, तो ये कारण कहीं ना कहीं से फोर्स कर रहे हैं कि शायद शहरों की तरफ चलें और शहरों में कोई रोजगार मिलेगा, शहरों पे अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है और गांव सूने होते जा रहे हैं, घर सूने होते जा रहे हैं, घरों में ताले लटके हुए हैं, तो ये जो स्थितियां हैं, जो ये असंतुलन हो रहा है, इसके लिए भी हमें और आपको सोचना पड़ेगा, सरकारों को सोचना पड़ेगा कि हम गांवों में कुटीर उद्योगों को, छोटे छोटे उद्योगों को विकसित करें, जो महात्मा गांधी की एक कल्पना थी, हम गांवों में जो आधारभूत सुविधाएं हैं जैसे बिजली है, पानी है, इनको पैदा करें। मिसाल के तौर पर मैं खुद बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ, मेरे घर में पानी की परेशानी है, जब मैं जाता हूँ तो 5 किलोमीटर दूर से मेरे घर में पानी लाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में मैं क्यों जाना पसंद करूँगा, मैं तो सोचूंगा मैं लखनऊ में रहूँ, वो तो दुर्भाग्यपूर्ण कहें या किसी भी फल के स्वरूप मुझे जॉब करने के लिए लखनऊ में रहना पड़ रहा है, लेकिन कल के दिन अगर मैं गाँव में ही रह रहा होता और पानी की जब दिक्कत होती तो मैं सीधे शहर की तरफ या दूसरी जगह जाने की कल्पना करता। मेरे माँ बाप आज भी गाँव में, उनके लिए बड़ी परेशानी है जीवन जीने के लिए, रोज उनका संघर्ष होता सुबह से 4-5 बजे, तो ये सरकार को सोचना पड़ेगा कि भाई एक तरफ हम और आप लोग अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके लिए उनको पानी उपलब्ध कराएं, उनके लिए भोजन उपलब्ध कराएं और लोगों को जागरूक करें, जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं, जो 2 बच्चों से ज़्यादा जिनके घर में बच्चे हैं उनको किसी न किसी प्रकार से हतोत्साहित करें, या सरकारी योजनाओं से या फिर जो भी सब्सिडी के रूप में वो लोग आप लोग राशन के रूप में सब्सिडी के रूप में जो चीज़ें देते हैं तो क्या उन्हें दी जाएं कि नहीं दी जाएं, ये चीज़ों पर चिंतन करना आवश्यक है। लोगों को बैठ के जो नीति निर्माता लोग हैं उनको सोचना ज़रूरी है कि क्या हम ऐसा करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण टॉपिक जनसंख्या वृद्धि पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार प्राइम न्यूज का। हमारे साथ मौजूद थे पर्यावरणविद डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी, जिन्होंने हमें बढ़ती जनसंख्या के बारे में बताया, उसके दुष्परिणामों के बारे में बताया, साथ ही साथ ये भी बताया कि कैसे हम धरती को बचा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।